लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 19 मई को जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज का मुहिम रंग लाया और जनपद वासियों ने गर्मी और धूप का परवाह न करते हुए जमकर वोटिंग की। महानगर के बाहरी वार्डों के लोगों ने भी जमकर मतदान किया और कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा अधिकार है। नकहा क्रॉसिंग के समीप मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथों पर मतदाता पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मतदाताओं ने कहा कि हमें विकास चाहिए और जो विकास कर सकता है हम लोगों ने उसी को वोट दिया है। दिव्यांगों ने भी किया मतदान का प्रयोग। मतदाता बोले, लोकतंत्र के इस महापर्व में सब करें मतदान। मारवाड़ इंटर कॉलेज में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र में मतदाता बहुत उत्साहित दिखे। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के सफर में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान प्रशासन द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, जहाँ दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारियों ने प्रत्याशी के एजेंटों के समक्ष मतदान के प्रति पारदर्शिता स्थापित करने के लिए मॉक पोल किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से तैनात रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वोटर्स ने कहा, अभी नहीं। यह मायका आपका ससुराल? ससुराल है। कैसे दिखाओ अब जाओ घर जाओ। आपको क्या हो गया? क्या है ऐसा? 11 नंबर में कैमरा वाले को किससे आई? मंजीत विश्वकर्मा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सशक्त भारत और शक्तिशाली भारत
होने के लिए मैं उन मुद्दों पे और आतंकवादियों को जैसे ढेर किया गया उन मुद्दों पे मैंने वोट किया है। लोकतंत्र के महापर्व पर ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार का मैंने उपयोग किया और देश सशक्त देश के इस महापर्व पर मैंने अपना मतदान किया है। किन मुद्दों पे मतदान किया? देश के विकास को लेकर के, देश में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर के, पाकिस्तान को जिस तरह पिछली सरकार ने नेशनलबूत किया उसको देख करके मैं इस बार मतदान करने के लिए आया हूं कि देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी वापस आएं और इस देश की गरिमा को और देश विदेश में बढ़ाने का कार्य करें। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, हम तो जो है विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं और मोदी जी द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसको देखते हुए परिप्रेक्ष्य में जो है हमने जो है मतदान किया है। माधवी, हम तो सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे हम मतलब वोट देने आए हैं ताकि हमारे आसपास के मतलब चीज़ों का विकास हो सके, साफ़ सफाई हो सके, तो हम इन सब चीज़ों के लिए आए हैं वोट देने के लिए ताकि जो हमारे जो भी नेता हैं वो अच्छे मतलब हमारे लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। मेरा नाम ब्रजेश राय है। सर्वप्रथम यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मताधिकार का सबको अधिकार दिया गया है, भारत के नागरिकों को, और सभी को अपने इस अधिकार का पूर्णतः प्रयोग भी करना चाहिए। आपने प्रारंभिक मुद्दों की बात की तो स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ये प्रारंभिक मुद्दे हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या जो जीते वो इन मुद्दों पे ध्यान दें, इससे यहाँ की जनता खुशहाल रहे और फिर विकास की तरफ सभी लोग उन्मुख हों। मंजू, इधर आ जाओ। वोट टलने इसलिए आए कि अच्छे सरकार अच्छा अच्छा काम कर रहा है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, हर चीज़ का सुधार हो रहा है, इस मुद्दे पर दे रहे वोट आए हैं। देवेश मित्र पार्टी, तीसरी बार मैंने वोट दिया और ज़रूर मैं विकास को ही वोट देना चाहता हूँ और मोदी जी और योगी जी की गवर्नमेंट में जितना विकास देखने को मिला है गोरखपुर अपने शहर में और पूरे भारतवर्ष में, शायद मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार अगर ये सरकार पुनः वापस आती है तो ये विकास के दर को और तेज़ी से बढ़ाएगी और निश्चित रूप से जो है भारत एक अच्छे सुरक्षित हाथ में है और इसका विकास जो है तत्पर रहेगा। शिखा श्रीवास्तव, आज पहली बार वोट देने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस मुद्दों के लिए वोट दिए हैं? मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है वो फिर से करे, तो डेवलपमेंट और हो, तो इसलिए वोट देंगे। चुनाव देश का है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुद्दा देश का होता है। हाँ हाँ, देश का होता है, तो जब हम अपनी जगह पे डेवलपमेंट देखेंगे तो फिर ऐसे ही हर जगह पे जो अच्छे कैंडिडेट है वो डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए एक जगह से स्टार्ट करें तो फिर आगे। यहाँ पे व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है और कल शाम से ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने हर सेंटर पे जो भी लगभग जितने भी सेंटर हैं गोरखपुर में सब पे व्यवस्था अच्छी खासी है और विशेषकर दिव्यांग जनों के लिए जिन्हें बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने खुद ले रखी है, इसके तहत उन्होंने कल शाम से ही बहुत सारे व्हील चेयर पहुँचाए और आज मॉर्निंग में मारवाड़ इंटर कॉलेज और जुबली इंटर कॉलेज ऐसे जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ भी दिव्यांग वोटर हैं वहाँ पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि किसी भी दिव्यांग को मतदाता स्थल पहुँचने में कोई भी परेशानी महसूस ना होनी। जी, मैं लेखपाल रामकुमार गुप्ता हूं और मैं मारवाड़ इंटर कॉलेज नशीराबाद के तहत मैं वहां का लेखपाल भी हूं और मेरी प्रशासन ने सुबह से पूछ रखी कि हमारे क्षेत्र में जहाँ खासकर जहाँ भी जो भी क्षेत्र है कोई भी दिव्यांग को असुविधा ना हो, इसके तहत व्हील चेयर हर सेंटर पहुँचा दिया गया है और इसी के तहत हमारे जितने भी दिव्यांग हैं उनको स्वतः जो है वहाँ तक ले जाया जा रहा है ताकि वो। अभी तक मेरे संज्ञान में तो 43 सेंटर ऐसे हैं जहाँ मैं खुद मैंने देखा है वहाँ पर व्हील चेयर पहुँच चुका है। यहाँ पर कितने लोग करा गया है? यहाँ पे अभी तक तो मतलब 10 लगभग व्हील चेयर लोग मतदाता तो जा चुके होंगे लगभग। दीपू सिंह, कल के हम लोग को अच्छा लगा, देश के भविष्य के लिए हम लोग अच्छे लोग को ही चुने हैं। कहाँ पे आए हैं? मारवाड़। और परिवार के और लोग भी आए? सब लोग सुबह डाल चुके, हम लोग लास्ट में बचे थे। काजी तौकीर हुसैन। मतदान कर दिया है? जी, मतदान कर दिया हमने। क्या कहेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के वोट करें, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है
खास करके रोज़ेदारों से मैं यही कहूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय 2 बजे के अंदर वोट डाल के अपने घरों को चली जाएं महिलाएं, इसलिए फिर वो अफ्तार के लिए अपने किचन में से फिर वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वोट नहीं पड़ पाएगा। तो 2 बजे 3 बजे के अंदर वो अपना वोट डाल के अपने घर चली जाएं। जेंट्स का 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक चाहेंगे तब तक डाल देंगे। चांदनी सिंह, देश के लिए जो है हमारा भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल होगा, अच्छा होगा, और हमको वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। तो बेरोजगार लोगों के लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे मोदी जो है। हाँ, मोदी जी जो है बेरोजगार लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं और करेंगे भी आगे। सलाउद्दीन अंसारी, बहुत अच्छा लगा अपने मत का प्रयोग करके। सारे लोगों को चाहिए कि अपने मत का प्रयोग करें, इसलिए कि राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा काम है ये, सिर्फ हल्ला मचाना काम नहीं है, आज सबको वोट भी डालना चाहिए। अनु मदेसिया, देश के विकास में योगदान देना चाहिए वोट करके। हाँ, वोट करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। आपने मतदान किया है? हाँ। दिलीप मदेशिया, इसको अपने देश के लिए लेना चाहिए। देश की चुनाव है, देश के चुनाव को देश की तरह देखना चाहिए, उसके लिए वोट करना चाहिए। देश में विकास होना चाहिए, जो व्यक्ति विकास करे उसके लिए चुनाव होना चाहिए। सड़क नाली खड़ंजा जो भी सरकार बनवा रही है उस हित में होना चाहिए, यही हमारा पर्व है। हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से वोट दें और अच्छे से। मिराज अहमद, अच्छी तरह मनाना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ को निभाना चाहिए। हर वोट कीमती है और सही जगह सही चुनाव जिसका करना है उसको वोट देना चाहिए। स्नेह लता राव, ये अपील कर रहे हैं कि सभी लोग वोट दें। हाँ, करती है। और कौन कौन लोग किया आपने? मेरे घर से सभी लोग, मम्मी पापा भाई जी। पूनम, हमने लोकतंत्र के त्यौहार को सफल बनाने के लिए मतदान किया है। और लोगों से क्या अपील? और लोगों से अपील मैं यही करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतलब इसमें सहयोग दें ताकि एक मतलब अच्छी सरकार बन सके।